अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? तो ये आया है बाजार, बज रहे शाम के 4:45। आपके भाईजान को बोली थी बाजार ले आना, थोड़ा जल्दी लाना। एक्चुअली बाजार है ना, कल ही लाने का था चांदरात वाले दिन, लेकिन नहीं ला पाया क्योंकि कहीं और बिजी थे हम लोग, तो इसीलिए आज लेने गए थे। और इसके पहले वो ऑलरेडी वहाँ पे गए थे, अपना मैट्रेस कवर वाले के पास। उसने 2 बजे बुलाया था, आपके भाईजान 4 बजे गए, फिर भी रेडी नहीं हुआ, तो उसने बोला 1 घंटे के बाद आओ। तो बाजार में क्या है, कांदा, बटाटा, कोथमीर, पुदीना, टमाटर, साथ में अफतारी में लेके आए कलिंगड़, पपैया, केला। अभी मैंने बोला मस्क मेलन लेके आओ, उसमें बड़े शौक से खाती है मस्क मेलन, तो वो लेके आएंगे अफतारी में। आज ज़्यादा कुछ नहीं मैं बनाने वाली हूँ, पहला दिन है। और वैसे भी आज मैं बनाऊंगी डायरेक्ट, आप लोगों को पता है मैं अफतारी के साथ खाना बना देती हूँ, मतलब के क्योंकि इफ्तारी में ज़्यादा वैरायटी नहीं भी हो तो खाना प्रॉपर तरीके में पका लेती हूँ इफ्तारी के साथ। कि आप, क्योंकि आपके भाईजान जो है ना इफ्तारी रोज़ा खोलने के लिए एक दो पीस उठाते खाते, उसके बाद नमाज पढ़ते, उसके बाद सुकून से बैठ के इफ्तारी करेंगे या तो खाना खा लेते। तो आज मैं चिकन का सालन बनाऊंगी बटाना डाल के, तो चिकन लेने गए, चिकन लेके आएंगे तो पकाना स्टार्ट करती हूँ। जब ठेके में ये रख देती हूँ, जो देते हैं आज क्या करूँगी, 1-2 बजे बना दूंगी, और चिकन का सालन, चावल रोटी बना लेती हूँ। पहले रोजे में पहली इफ्तारी इतनी हैवी होती भी नहीं है, पहली बात तो ना रोजा रखकर हम लोग इफ्तारी में वैरायटी तो चाहिए होती है कि ये भी थोड़ा रहे, ये भी थोड़ा रहे, ये भी थोड़ा रहे, ये भी थोड़ा रहे, सब थोड़ा थोड़ा रहे, लेकिन खाया नहीं जाता अब तक, बस खाली वो रहना बोलते ना दस्तरखान पे तो हो जाता है। फ्रूट्स को मैं भी पिला नहीं रखती हूँ, मैंने फ्रिज साफ कर ली थी, बर्फी साफ कर ली थी, लेकिन इसके अंदर कुछ कड़ी पत्ते हैं जो कि मुझे निकालने हैं। सेम कच्चे सेम भी मैं इसमें रखती हूँ। ये सूखा झींगा, ये भी सूखा झींगा है बट ये भुना हुआ। फ्रिज में रखने से क्या होता पता है, मंगी नहीं लगती थी। तो एक कड़ी पत्ते को मैं थैली में ऐड कर दी थी। सूखे कड़ी पत्ते बहुत काम आते हैं, जब दुकान से कड़ी पत्ता नहीं मिलता है तो। भाजी कुछ भी मंगानी, चिकन मंगाया, बहुत मन भी कर रहा था चिकन का सालन, कल भी मन कर रहा था लेकिन कल तो खाना ही बनाने टाइम नहीं मिला, तो मैंने खिचड़ी बना दी थी। 10:30 बज गया था वही मैट्रेस के चक्कर में, देखे ना आप लोग ने अपना, नहीं देखे तो वॉच कर रहे हैं। आटा गूंद लेती हूँ सबसे पहले। यहाँ पे मैं पकाने खड़ी हो चुकी हूँ, तो सबसे पहले मैंने कुकर रख दिया गैस पे, सोचा कि सिंपल ही चिकन का सालन बनाती हूँ वटाने और आलू ऐड करके, तो कुकर में ही बना लूँगी। तेल यहाँ गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गर्म मसाले लिए, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, कमल फूल, जावित्री, तेज पत्ता, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एक्चुअली ना मेरा सच में चिकन और वटाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, वटाने ऑलरेडी छिले हुए फ्रिज में रखे हुए थे, लेकिन मोस्टली मैं ज़्यादातर पनीर मटर बना लेती हूँ, लेकिन चिकन जब बनता है तो अलग अलग तरीके से बनता है, कभी सूखा कभी गीला, लेकिन मटाना डाल के बहुत दिन के बाद बना रही हूँ आज। तो बस आज मैं मतलब कल की बात है, कल मैंने फ्रिज में देखा था वटाने रखे हुए छिले हुए, तो मैंने सोचा चलो चिकन में बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना गर्म मसाले के बाद है ना कांदा ऐड किया, और कांदा जब लाल हो गया ना अच्छे से, तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड कर दी। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूनना है, मतलब कि मैं इसको सीटी लगा के ही पकाने वाली हूँ, बहुत झटपट में पक जाता है ये जो सालन मैं बना रही हूँ। बस खाली जो जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो साथ ही साथ भूनते जाना है फास्ट आँच पे ही, ना इसको मीडियम करना है ना तो इसको ज़्यादा स्लो करना है, ठीक है। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी जब हम लोग बुक्की मसाला ऐड करेंगे तब थोड़ा सी आँच को कम करना पड़ता है, बाकी जो भी है यहाँ पर मैं फास्ट आँच पर ही कर रही हूँ। अदरक लहसुन भूनने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया, उसको भी मैंने अच्छे से मिला लिया अदरक लहसुन, जब उस पर अच्छे तरीके से कवर हो गया तो मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से ये चला लिया ताकि चिकन जो है अपना पानी अच्छे से फटाफट छोड़ दे। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया की बुक्की,
मिर्ची की बुक्की और हल्दी की बुक्की, ठीक है। इसको जितना बार मतलब अपन मसाला ऐड कर रहे उतने बार चम्मच मारते मारते मतलब हमें ताकि चिकन को अच्छे से मसाला कवर हो जाए। आप देखोगे यहाँ पे मैं जब भी जो भी चीज़ ऐड कर रही हूँ उसके बाद मैं चम्मच से अच्छी तरीके से चिकन को चला रही हूँ ताकि मसाला जो भी मैं ऐड कर रही हूँ अच्छे से उसको लगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर टमाटर, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा कोथमीर मैंने ऐड किया है। यहाँ पर मैंने कोई मसाला नहीं पीसा है, सब अखे मसालों में ये सालन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टमाटर और कोथमीर मैंने ऐड कर दिया। अब टमाटर के सॉफ्ट हुए तक के इसको हमें थोड़ा पकने देना है। यहीं पे हमको 1 से 1.5 मिनट लगेगा बस, उससे ज़्यादा हमें और चिकन को कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वटाने निकाल लिए जो फ्रोज़न मैंने फ्रिज में देखे थे। एक्चुअली मैंने 2 डब्बे भर के फ्रोज़न मटर करके रखे थे, तो 1 डब्बा भरा हुआ है, वो दिखता नहीं है कि उसके अंदर मटर है, बट ये जो था ना ये ट्रांसपेरेंट डब्बा था, तो मटर इसका ख़त्म होने वाला था, थोड़ा सा एक टाइम पकाने जितना बच गया था। तो मैंने बोला चलो चिकन में बना लेते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया चिकन में मैंने मटर बनाया नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया पता है, थोड़ा सा 1 घूंट के जितना मैंने पानी ऐड किया है ताकि जो मसाला है ना वो जले नहीं और चिकन जो है अच्छे से भून जाए। यहीं पे मैंने जैसे कि बोला ना आप लोगों को 1-1.5 मिनट हमें यहीं पे भूनना है ताकि जो टमाटर है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। अगर हम लोग अभी यहाँ पर सीटी लगा देते ना तो चिकन गल जाएगा, लेकिन टमाटर के जो छिलके हैं ना टमाटर पूरी तरह से गल नहीं पाता। तो टमाटर को यहीं पर हम लोगों को भून लेना, टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हमें कुछ आगे का प्रोसीजर करना है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही भी ऐड करूँगी, तो दही मैं ज़्यादा नहीं 1.5 चम्मच मैं दही ले रही हूँ, उसको मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। आप चाहो तो दही ऐड करो, चाहे तो मत ऐड करो, मेरे पास था इसलिए मैंने ऐड किया। और टमाटर मैंने ज़्यादा नहीं, एक ही टमाटर लिया था और एक ही बड़ा कांदा लिया था, और जो चिकन जो है वो 1.25 किलो के आसपास था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया पता है, मसाला जब टमाटर जो मेरा सॉफ्ट हो गया तो उसके बाद मैंने वटाने जो फ्रोज़न वाले थे वो ऐड कर दिए ताकि ये आधा मिनट और पके, तब तक के मैं क्या करूँगी दही को फेंट लूँगी। और यहाँ पर साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ना आलू काट के रखे, एक छोटा सा आलू लिया था उसके 4 टुकड़े कर लिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ दही भी ऐड कर लिया है। दही ये ज़्यादा खट्टी नहीं थी, ये डब्बे वाला दही है, इसमें ज़्यादा खटास नहीं होती है, लेकिन हाँ एक अच्छा सा क्रीमी टेक्स्चर जो है ना वो आ जाता है। तो बस इसको भी डाल के मैं अच्छे से चला लूँगी ताकि दही जो है वो अपना फटे नहीं। तो देख सकते हैं जो सालन का जो लुक है उसका कलर जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आ गया है, और इस समय में बहुत अच्छी से खुशबू भी आ रही थी जब मैं ये बना रही थी। तो और फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर जो घर का पिसा हुआ है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। गरम मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि ये सालन जो है ना थोड़ा चटपटा ही बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा। तो बस इसको भी अच्छे से मिला लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी, और पानी जितना ज़रूरत है उतना पानी ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे टेस्ट करके। अगर आप रोज़े में नहीं हो तो जजमेंट में ऐड कर दो, तब तो मैं रोज़े में थी तो इसलिए मैंने टेस्ट नहीं किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सी नमक कम था तो इफ्तारी के बाद मैंने टेस्ट करके इसके अंदर नमक और ऐड करके फिर इसको एक उबाल दे दिया था, तो परफेक्ट हो गया था। तो ऐसा है, बस यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है और पानी अपने ज़रूरत के हिसाब में जितना लिक्विड चाहिए जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करके हम इसको ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आराम से होने देंगे ये सालन की। और इसके अंदर हमें और कुछ नहीं करना है। कुकर खोलने के बाद आप चाहो तो थोड़ी सी कोथमीर ऊपर से गार्निश कर दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सिंपल एंड जल्दी पकने वाला सालन है जो बहुत टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे साथ ही साथ मतलब जहाँ जब तक के कुकर की सीटी होती है मैंने सोचा साथ ही साथ भजिया बनाती हूँ, तो कांदा जो है ना मैंने काट के पहले से रखा हुआ था, कांदा मैंने काट लिया था लंबा लंबा, और आलू जो है उसके स्लाइसेस करके रखे थे क्योंकि कांदे का भजिया और आलू का भजिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कांदे के अंदर क्या किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और तेल गरम करने के लिए चढ़ा दूँगी। और अभी ये जो कांदे को है ना अच्छे से मसल लूँगी ताकि जो उसके रेशे रेशे ना वो अलग अलग छूट जाए, नहीं तो क्या होगा कांदे का भजिया जब हम लोग बनाते हैं और जब उसको अच्छे से मसलते नहीं ना तो कांदे अंदर से काफ़ी ज़्यादा कच्चे रह जाते हैं। तो इसको पहले मैंने कांदे को अच्छे से मसल लिया, तार तार सब अलग हो गई। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ बेसन। अब इसके अंदर मैं ज़रा भी पानी ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि नमक डालने के बाद कांदा खुद भी अपना पानी छोड़ता है, तो वही पानी में बेसन को अच्छी तरीके से कला लेंगे। हाँ थोड़ी मेहनत का काम होता है, लेकिन ये भजिए ना एकदम वो जो बाहर दुकान पे हम लोग शॉप पे खाते हैं ना कड़क कड़क कुरुम कुरुम भजिए वैसे बनते हैं ना। इसमें सोडा ऐड करो ना इसमें पानी ऐड करो, जस्ट मेहनत होती है वही कलाने वाली, वो कला लेंगे ना एक बार अच्छे से तो एकदम वैसे ही भजिए बनते हैं जो हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो बस अभी इसको मैंने ऐड कर दिया है कढ़ाई में गरम गरम तेल में, मीडियम आंच पे है। पहले तो तेल मैंने फास्ट आंच पे गरम किया
उसके बाद मीडियम आँच पे मैंने इसको छोड़ा है, और हल्का हल्का जब नीचे से वो ब्राउन होने लग जाए तो उसको पलटेंगे, और इसको एकदम मतलब ऑरेंज कलर पे हम लोग नहीं निकालेंगे, थोड़ा सी मतलब थोड़ा सी लाल पन आना चाहिए उसके ऊपर, तब समझ जाना ये पक चुका है। तो देख सकते हैं लाल रेडिश गोल्डन जो होता है ना, मतलब येलो कलर नहीं, रेड गोल्डन टाइप का जब भजिया हो जाए तो समझ जाना कि अपने भजिए तैयार है। तो बस यहाँ पे मैं बटाटे के भजिए बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और जो लास्ट बचा था कांदे का वो मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया, तो वही जो डब्बे में मैंने कांदे के भजिए कलाए थे वही जब खाली हो गया तो मैंने उसके अंदर बेसन लिया, बेसन में थोड़ा सी नमक और थोड़ा सी हल्दी ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके फेटूंगी। पहले उसको अच्छी तरीके से फेटेंगे ताकि उसमें कोई भी गांठ ना रहे, और जब पता चल जाए कि हाँ इसमें चलो कोई गांठ नहीं है तो अपने हिसाब से हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, ठीक है। वैसे तो देखो कांदे का भजिया बटाटे का भजिया कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत सारे सबको ही नॉर्मली आता है ये बनाना, कांदे का भजिया और बटाटे का भजिया, बट मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग मेरी ऑडियंस में, मेरे व्यूवर्स में ऐसे भी हैं जिनको मतलब बेसिक, वो बोलते हैं कि दाल बनाना भी बाजी मैंने आपसे सीखी हो, चाय बनाना भी बाजी मैंने आपसे सीखी हो, इवन दाल और चावल बनाना अगर वो मुझसे सीख रहे हैं तो ऑब्वियस, अगर उनको भजिया वगैरह बनाना नहीं आता तो आई होप कि मेरी एक छोटी सी कोशिश से अगर उनको भजिया बनाना आ जाए तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ जो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ अभी कांदा अभी मतलब एक दो जन ऐसे भी होते हैं ना, जो एक दो नहीं काफ़ी लोग हैं जो मुझसे भी अच्छे कुकिंग करते हैं, तो लोग ये सोचते होंगे क्यों इतना डिटेल में बताती है, हम लोग को आता है बटाटा कांदा भजिया बनाना, इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो हाँ, लेकिन मेरी कहूँ तो मैं 10% 15% ऑडियंस ना मतलब बिगनर है, अभी कुकिंग के मामले में ना बिगनर है, तो उनके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, इसलिए बस। तो ऐसा है, तो बस यहाँ पे मैंने एक एक करके वो बैटर के अंदर है ना आलू डिप करके फ्राई कर दिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे फूले फूले भजिए रेडी हो गए, बट यहाँ पे इसको भी पीला पीला नहीं निकालेंगे हम लोग, थोड़ा पकने देंगे, थोड़ा सी ऑरेंजी कलर आता है ना तब हम उसको निकालेंगे, थोड़ा ऑरेंज जैसा जब दिखने लग जाएगा ना तब हम उसको निकालेंगे। तो अच्छे से कुरकुरे कुरकुरे बन जाते हैं, मेरी बेटी को ना ये आलू के भजिए बहुत पसंद है। अब ये बैटर पे आप थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी कोथमीर ऐड कर दोगे ना तो बटाटे की भजिए की बात ही कुछ और हो जाती है। तो ऐसा है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने चीनी घोल के रखी थी पहले से ही। मैंने इफ्तारी में क्या होता है पता है आपके भाईजान को, तो ना मतलब कोई ना कोई लिक्विड जूस चाहिए ही चाहिए, तो ये रूह अफ़ज़ा में डेली बेसिस पे मेरे घर में बनता ही है, ठीक है। तो कभी फालूदा, कभी गन्ने का जूस, कभी रूह अफ़ज़ा, अगर वो नहीं तो ये तो कंपलसरी मेरे घर में बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चीनी पहले से घोल के फ्रिज में रख दी थी भजिए बनाने से पहले, लेकिन थोड़ी सी चीनी लोटे में दिख रही थी तो उसको थोड़ा और घोल लिया, रूह अफ़ज़ा ऐड कर दिया, ठंडा पानी ऐड कर दिया, और इसको फिर से फ्रिज में उठा के रख दिया। जब इफ्तार का समय होगा तब उसको फ्रिज से निकाल लेंगे। तो बस यहाँ पे फ्रूट्स में जैसे कि मैंने बताया था, पपैया आया है, केला आया है, कलिंगड़ आया है, और मस्क मेलन मैंने उज़्मा के लिए मंगाया था क्योंकि उसको मस्क मेलन खाना बहुत पसंद है। तो बस मैं इनको भी काट लूँगी और प्रिपेयर कर लूँगी इफ्तारी की प्लेट्स। तो ऐसा है, तो ये था मेरा पहला रोज़ा, जो कि ये ब्लॉग को डालने में थोड़ा सी मुझे लेट हो गया क्योंकि बैकअप में मेरे दूसरे भी ब्लॉग्स थे, तो मैं पहले वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, इसलिए इसको आने में थोड़ा सी लेट हो गया, ठीक है। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, वीडियो ज़रूर से पूरा देखा कीजिए, और कमेंट किया कीजिए कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, और कुछ भी आप लोगों की क्वेरीज़ होगी तो आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट तो कंपलसरी किया कीजिए कि आपने वॉच किया मुझे पता चले, लाइक से पता नहीं चलता है कि आपने वीडियो वॉच की है। मुझे इतना पता है कि मेरी 180 के ऑडियंस है, बट मुझे जो जो वॉच कर रहे हैं वो मुझे भले कमेंट में सलाम कर दे या कुछ भी बोले, नहीं तो एक हार्ट दे दे, नहीं तो एक थम दे दे, तो मुझे नाम याद हो जाएगा कि हाँ ये भी मेरे व्यूवर्स है करके, तब तो मुझे पता चलेगा आप लोग मेरे व्यूवर हो, मेरे मुझे सब्सक्राइब करके रखा है। लेकिन मुझे पता तब चलेगा जब मैं आपका नाम देखूंगी कि हाँ भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल सईदा आपा ने मुझको सब्सक्राइब करके रखा है, या समथिंग फौजिया गौसिया जो भी है, नाम से ही पता चलता है कि कल को आप लोग मुझे कहीं मिलो तो मैं फटाक से पहचान लूँ, हाँ हाँ आपका कमेंट आता है ऐसा। तो चलिए, मगरिब का समय हो गया है, हम लोग बैठने वाले इफ्तारी के लिए, तो आप लोग भी आ जाइए रोज़ा खोलने। अजमा, रोज़ा खोलने का इंतज़ार नहीं है ज़रा भी? अम्मी मैं रोज़ा जल्दी खोलती हूँ। अरे दुआ नहीं मांगे तुमने, बस रोज़ा खोलने बैठ गए। वो मुझे बात क्यों खाया तुमने?
तुमने हम लोग का इंतजार ये देखो यहाँ पे वो शुरू हो गई क्योंकि उसका फेवरेट है मस्क मेलन। लेकिन बेटा आज पहला रोजा था तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन कल से पूरा वेट करना अजान होने तक के जैसे पहले करते थे। चलो अभी दुआ करने का, वो पीस खा लो पहले फटाफट। बुरखा पहनी है वो जो पिछले साल पहनती थी बराबर, वो बुरखा निकलवाई वो पहनी है। पता है अजमा, तुम अल्लाह ताला से मांगते थे पिछले साल हम लोग को घर दे दो, हम लोग को गाड़ी दे दो, पता है उसके लिए अल्लाह को थैंक यू। अल्लाह ने बहुत कुछ सुना है ना तुम्हारा। तुम पहले ना अल्लाह को थैंक यू बोलो। पिछले साल तुम क्या क्या मांगते थे अल्लाह से? सबके लिए दुआ करो अल्लाह ताला से, ऐसे जोर से बोलो या अल्लाह। अल्लाह और मेरा सिर्फ हम दोनों का ही चित्र था, अल्लाह का और मेरा। लका संतो वबेका मंतो वलयका तवक्कलतो व आला रिस्किका अबतरतो फतकब्बल 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 मिन्नी याला हमारा रोजा कबूल करना, कोई गलती हुई होगी तो माफ करना। हाँ चलो शुरू करो। हेलो क्लॉक कर दो। पांच मिनट उठाना,